सब जुटल बाड़े यूपी बिहार के, महफिल सजल बाए भैया सुर के बहार के। लइका सब जुटल बाड़े यूपी बिहार के, महफिल सजल बाए बाबू सुर के बहार। सुरैर लैके ताले अनोखा सहन साह होशियार, यूपी और बिहार ये भयवा, यूपी और बिहार, यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार। लइका सब जुटल बाड़े यूपी बिहार के, महफिल सजल बाए भैया सुर के बहार। सुर और ताल के युद्ध अनोखा सहन साह होशियार, यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार, अरे यूपी और बिहार ये भैया यूपी और बिहार। तो आज हम फिर से मनोज तिवारी अपना हिंदुस्तान के सुर प्रेमी जहान के, अपने तो झुक के बाकी भोजपुर या सीनातान के, हम आप लोग के स्वागत करते हैं सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध में। एक तरफ यूपी बा, एक तरफ बिहार बा, वैसे तो अपन परिवार बा, लेकिन युद्ध के सपना बिल्कुल वो निर्णय खातिन बेकरार बाटे, जहां पता चली कि के बनी हमनी के भोजपुरी संगीत के सिरमौर। कल कोई सवाल न उठे कि भोजपुरी संगीत कितना बड़ा महासंग्राम में आप लोग कुछ छूटल छटकल लोगन के मौका नहीं देला, तो हम ऐसन तोहमत नहीं लेब, हमनी के मौका देहल जाए। होखे कोई सुर के संग्रामी जे दे सकेला अगर चुनौती हमनी के उत्तर प्रदेश और बिहार के टॉप 6 लोगन के, तो ओकर स्वागत बाटे। और आज कुछ लोग एह लायक बुझाइल जकरा के लेके हमनी के आईनी जाए जिंगा। वाइल्ड कार्ड खातिर मंच बाटे तैयार। आज एगो कुर्सी खाली रहेला हमनी के अतिथि जज के। आज वो अतिथि जज के कुर्सी पर हमनी के हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा फिल्म के डायरेक्टर के पत्नी के रूप में उनकर पहचान न भइल, उनकर पहचान भइल एक वैसन सिंगर जे गौली जबां पे लागा लागा रे नमक। इसका जोरदार ताली से स्वागत करें जा रेखा भारद्वाज जी के। आज बात करो तो से लगे आज भीतर भीतर आग जरे, बात करो तो से लगे हो मैं गई दैया रे, अंग पे ऐसे चल पड़े तेज
जोरदार ताली आज हमनी के सुर संग्राम में उस शख्सियत खड़ा बाड़ी जिनका गाना पे संसार में के नाई झुमल होई। शुक्रिया। इस सुर संग्राम के बारे में आप कब सुनली, का कह सकीला, लोग जानल चाहता। देखिए, जब सुर संग्राम शुरू हुआ, बस सुर की बात हुई तो मैंने सुन ली, और ये अच्छा मौका है जो मुझे अच्छा लगता है कि जो गांव में हैं या छोटे शहरों में हैं लोग, जिनको ये मौका नहीं मिलता कि स्टेज एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस पे उन्हें अपनी कला का एक प्रदर्शन करने का मौका है, तो ये मेरे ख्याल से काबिले तारीफ़ ये बात है। और मुझे खुशी है कि मैं इसमें गेस्ट जज के तौर पे आज मुझे सुनने का मौका मिलेगा इन आर्टिस्ट को। वाइल्ड कार्ड के सिस्टम में कबो कबो बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, और वाइल्ड कार्ड ही एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें कभी कभी हमें रामसीस मिल जाते हैं। चोरी घुसखोरी इसी तरह से बढ़ती रही तो चोरों और घुसखोरों को हथकंडा लगा दिया जाएगा, और विज्ञान इसी तरह से बढ़ता रहा तो अब सरसों को बढ़ा करके बंडा बना दिया जाएगा। कि फैशन इसी तरह से बढ़ता रहा तो अर्ध नंगों को नंगा बना दिया जाएगा, और चप्पल की ऊंचाई इसी तरह से बढ़ती रही तो हर सैंडल के नीचे अब डंडा लगा दिया जाएगा। आई रे 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 रे। अरे आरा जैबू की पटना जैबू, अरे की जैबू खैरुल्ला में काहे जिले बिके तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जिले बिके तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला में, बड़ा मजा रसगुल्ला में, बड़ा मजा रसगुल्ला में, अरे काहे जिले बिके तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला में, हे काहे जिले बिके तरसी गुरली बड़ा मजा रसगुल्ला। शीतल रहब घरी गाने में, तीन बजे आके जगैया पतर को, शीतल रहब घरी गाने में, अरे शीतल रहब घरी गाने में, हे शीतल रहब घरी गाने में, अरे तीन बजे आके जगैया पतर को, शीतल रहब घरी गाने में, तीन बजे आके जगैया पतर को, शीतल रहब घरी गाने में। मंदिर में सोहेले पंडा पुजारी आ सोहे के वाड़ी दुआरी में, अरे मर्दा मनैया हसीना पे सोवे मऊगा मरद ससुरारी में, हे मर्दा मनैया हसीना पे सोवे मऊगा मरद ससुरारी में, अरे मऊगा मरद ससुरारी में, हे मऊगा मरद ससुरारी में, अरे मर्दा मनैया हसीना पे सो मरद ससुरारी में, मरता मनैया हसीना पे सो मौगा मरद ससुरारी में। राम आशीष जी हमनी के सुर संग्राम में वाइल्ड कार्ड के देन रहले, और आज हमनी के इनका के ही खातिर बोलैली हैं जा
कि दुनिया देखे कि वाइल्ड कार्ड में कैसन कैसन हीरा निकल के आ जाली। गांव से जिनका कब्बो बड़ा मंच पे गावे के मौका नहीं मिलल, रामसिस बागी के गीत वाइल्ड कार्ड के मतलब समझा देले बा। और सबसे पहले हम बुला रहल बनी बिहार के आन। मैं नीलम गुप्ता रांची झारखंड से, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। इनका के वापस वाइल्ड कार्ड में मौका दिहल जाए। नीलम आज वापस आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मैंने अपनी किस्मत को मुट्ठी में बांध लिया है, बस इंतजार है, मैं उसको सुनना चाहती हूँ। जी एक बार फिर से तैयारी करके वाइल्ड कार्ड में आयल बाड़ी। इनका खातिर हमनी के रेखा जी के नंबर नहीं बतावल जाए, इनका खातिर हमनी के रवि किशन जी के नंबर नहीं बतावल जाए, इनका खातिर आज कल्पना जी और मालिनी जी अपन नंबर बताइब जा। वापस आप मेरे हिसाब से एक फुल एटीट्यूड के साथ आई और वो एटीट्यूड दिखा, और इसको एडमिट मुझे जरूर करना होगा। जो भी तीन तीन अभी कॉन्टेस्टेंट्स है यूपी एंड बिहार में जी, उसमें से एक वेरिएशन बन के आप जरूर आए, एक वैरायटी, एक अलग रंग मुझे जरूर दिखा। और नंबर है 31। थैंक यू मैम। मुझे आपकी आवाज़ की ताजगी और आपकी इस विधा की प्रस्तुति ने मेरा दिल जीता है, मेरी ओर से नंबर 30। मालिनी जी की तरफ से 30। आपके रवि जी के और रेखा जी के नंबर नहीं पता चली, लेकिन रेखा जी कुछ इनके खातिर कहब तो। ताल में तुमने एकदम गाया, और जो इनफैक्ट जब दुगुन भी की बाद में, और उसमें भी वो पेस को मेंटेन करना बहुत बहुत अच्छी बात है। सुर के लिए हाँ, आप रियाज़ कर सकती हैं, खड़ा सुर भी लगाएंगी अगर सा पे ओम बोलकर, जहाँ सुर सही लगता है, लगते लगते कम रह जाता है, थोड़ा कहीं आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो कंट्रोल आपका अपनी वॉइस पे होगा, उसके लिए थोड़ा सा रियाज़ करें तो और अच्छा होगा। थैंक यू मैम। चला माई का गुहा लगेलू तो कोशिश करें कि न्याय मंडल के पसंद आए, लेकिन बुलंदी बहुत रहे, ताजगी बहुत रहे, और बाकी सब कुछ अपन कमती ज़्यादा तो बेसी पता चल गई हो, ओकरा के ध्यान में रखी।
स्वागत बा। जाके अपनी कुर्सी पर बैठ जाए।